मसूरी शहर में नकाबपोश चोर के आतंक से लोग डरे हुए हैं। नकाबपोश चोर ने शहर के 3 घरों में 1 घंटे के अंतराल में धावा बोल दिया। चोर 2 घरों में चोरी करने में सफल रहा। नकाबपोश चोर घरों में अकेली महिला को देखकर घटना को अंजाम दे रहा था। एक घर में नकाबपोश चोर की महिला के साथ झड़प भी हुई, जिसमें महिला को गंभीर चोट आई है। मम्मी ने बोला कौन है, तो वो एकदम बोला नहीं, फिर एकदम फिर खड़काया, फिर उन्होंने बोला कि आंटी आंटी जरा एक में खोल दो, तो भैया ने भेजा, तो उन्होंने एकदम दरवाजा खोला तो उसने एकदम उनको ऊपर अटैक कर दिया। पहले उनको मारा पीटा, फिर उनके गले में हाथ के चेन खींचने की कोशिश। दरवाजा खोला, किसने भेजा कि भैया ने, और उसने ऐसी बदतमीजी की, दरवाजा जोर से बंद कर दिया, अंदर नहीं घुस पाया क्योंकि इन्होंने धक्का मार के दरवाजा बंद कर दिया और वो भाग गया। पालिका अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने भी कोतवाली पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका ये कह रहा है कि कोई 9:15 बजे करीब लड़का था, कोई शराब पिए हुए था, स्मेल आई रही थी शराब की और उसने मुंह ढक रखा था, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही आदमी है जो शायद शराब के नशे में है और उसके द्वारा जो है ये कृत किया गया है। तो इसकी इन्होंने अभी रिपोर्ट लिखा दी है, तो रिपोर्ट लिखाने के बाद हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि उसको शीघ्र ही जो है अनावरण करें इस घटना का। देवभूमि न्यूज़ मसूरी।